हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से नया चैप्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके वन लाइनर। अभी तक हमने 375 क्वेश्चन देखे, आप उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी सारे क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वो सारे मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज वॉच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किसके पास है? सुरक्षा परिषद के पास। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 1913 में इन्हें मिला था। ठीक है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन कौन सा है और इसे किसने लिखा था? इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये अमार सोनार बंगलो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, भारत और बांग्लादेश। आप विश्व में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ एक ही आदमी ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा हो। सो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कभी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर आराम से लिख सकते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किसे संविधान संशोधन का मिली कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण को। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हेनीमैन। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौधरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, सांची के स्तूप ठीक है, पंडित हरिवंश चौधरी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच पर? भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। भव्य परिषद की ध्वनि प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20 हजार हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकार शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? स्थित है ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा है? दक्षिण गंगा कहा, गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीला रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर है? यह गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सो ये रहे 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।